आप दुनिया के 7.6 अरब लोगों में से एक हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? ये 10 अंक हमारी पूरी प्रजाति के बारे में कैसे बता सकते हैं? क्या हम इस ग्रह पर अपनी पकड़ को वाकई बरकरार रख सकते हैं? मौजूदा वक्त में दुनिया में हमारी पहचान को बेहतर समझने के लिए हम कई आंकड़ों को देख सकते हैं, जैसे सड़क पर एक वक्त पर कितनी गाड़ियां हैं या हर रोज कितने ईमेल भेजे जाते हैं। पर शायद अगर ये सब चला जाए तो हमें ज्यादा पता चल सके। आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर इंसान धरती से अचानक गायब हो जाए। जिस पल इंसान धरती से गायब होंगे तबाही शुरू हो जाएगी। बगैर किसी चालक विमान आसमान से सीधे नीचे गिर पड़ेंगे, ट्रेनें पटरियों से उतरने लगेंगी और गाड़ियां टकराने लगेंगी। पहले घंटे में ही दुनिया भर में अचानक बिजली जाने लगेगी। कोयले से बनने वाली बिजली ईंधन खत्म होते ही रुक जाएगी। वहीं हवा और पानी से चलने वाले सिस्टम बगैर किसी शख्स की देखरेख तुरंत बंद पड़ जाएंगे। अगले दिन कंप्यूटर अपने हिसाब से चलते हुए किसी संभावित आपदा को टाल पाने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर बंद कर देंगे। पूरी दुनिया बिजली के बगैर होगी, लेकिन कम से कम कुछ वक्त के लिए परमाणु खतरा टल जाएगा। तीसरे दिन लंदन के बिग बेन की आवाज आखिरी बार सुनाई देगी, क्योंकि इसे हर तीसरे दिन घुमाए जाने की जरूरत पड़ती है। बिग बेन की आवाज अब उन सड़कों में गूंज रही होगी जहां केवल जानवर हैं। हजारों की संख्या में पालतू और चिड़ियाघर के जानवर या तो आजाद हो जाएंगे या भूख से तड़प रहे होंगे। 10 दिन के अंदर अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा आखिरकार नाकाम हो जाएगी, जिससे धमाकों की लड़ी लग जाएगी और दुनिया भर में जहरीला रेडिएशन शुरू हो जाएगा। प्रभावित क्षेत्रों में जंगल के जीव मारे जाएंगे, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में दूसरी प्रजातियां बच जाएंगी। घरेलू मवेशी और पले हुए जानवर उत्तर अमेरिका के खुले मैदानों में खुले विचर रहे होंगे। बड़ी दुकानें चूहों से भर चुकी होंगी और सीधे साधे पालतू जानवर बचे रहने की होड़ में जंगली हो चुके होंगे। कुछ सालों में जिन शहरों को आज हम देखते ही पहचान लेते हैं वो प्राकृतिक थीम पार्कों में बदल जाएंगे। न्यूक्लियर रेडिएशन खत्म हो चुकी होगी और शहरी जमीनों पर पेड़ उग चुके होंगे। सड़कों पर काई होगी, वहीं ऊंचे ऊंचे टावर पेड़ों और फूलों से ढक चुके होंगे। 30 साल बाद वो सैटेलाइट जिन्हें हमने खोज के लिए भेजा है वो वापस पृथ्वी पर गिरने लगेंगी और उनकी जानकारी रखने वाला कोई नहीं होगा। घर और बड़ी इमारतें या तो खराब हो चुकी होंगी या ढह चुकी होंगी। कुछ तटीय इलाकों में पूरे के पूरे शहर सागरों में समा चुके होंगे और पुराने जहाज डूब चुके होंगे या कहीं धस चुके होंगे और इन पर कोरल की चादर चढ़ चुकी होगी। हमारी गैर मौजूदगी के बावजूद ग्लोबल वार्मिंग हमारे जाने के बाद अगले 40 सालों तक जारी रहेगी और धरती के तापमान में लगभग 0.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़त होगी। लेकिन पर्यावरण तेजी से सुधरने लगेगा। 60वें साल तक समुद्री जीवन दशकों की ओवर फिशिंग से उबर चुका होगा और बेहतर हो रहा होगा। 150 सालों में शहरी पर्यावरण भी इंसानों के पहले वाले अपने रूप में वापस लौट चुका होगा। लंदन वापस एक हरी भरी जगह बन चुका होगा और वैंकूवर जैसे उत्तरी शहरों में इमारतों के कंकाल बर्फ की परतों से ढके होंगे। शायद लास वेगस देखने में एक रेत के टीले जैसा लगे। 230 सालों में इंसानों के न होने से और बढ़ी हुई हरियाली के चलते वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो चुका होगा। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी हिस्सा घने जंगलों से घिर चुका होगा और हमारे होने की इकलौती निशानी होगी बची हुई स्टील और प्लास्टिक। एक वक्त के गौरवशाली शहर खंडहर में तब्दील हो चुके होंगे। इंसानों के खत्म होने के 500 साल बाद दुनिया के जंगल 10,000 सालों के इतिहास में सबसे घने होंगे। प्राकृतिक दुनिया इंसानों के वजूद के हर आखिरी निशान की जगह ले लेगी। जाहिर है 25,000 सालों के बाद भी हमारे बनाए प्लास्टिक के कुछ सामान मिल ही जाएंगे। इसके अलावा चांद पर हमारे दौरों से जुड़ी हर चीज भी बाकी रह जाएगी। तो अगर आप कभी ये सोचें कि 7.6 अरब लोगों में से एक होने का क्या मतलब है, इस तरीके से सोचकर जरूर देखें। हमारे यहाँ कभी होने की हर निशानी को मिटने में 25,000 सालों से भी ज्यादा का वक्त लगेगा। इस दुनिया पर हमारा वर्चस्व बहुत ज्यादा रहा है और हालांकि इंसानों का अचानक गायब होना मुमकिन नहीं है, पर हमें इस धरती का ख्याल जरूर रखना चाहिए। आप इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट में बताएं, अपने दोस्तों को इस बारे में बताएं, वीडियो को शेयर करना और क्या हो अगर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।